दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एग्जाम कॉर्नर में। जैसा कि मैंने आपके लिए बोला था कि आपके आने वाले एग्जाम बिहार एसआई मेंस और बीपीएससी और खासकर बिहार एसएससी जो 12th लेवल पर है उन सब के लिए मैं मिक्सअप एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जिसमें आपको 50-50 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा 10 से 15 मिनट के अंदर। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो ऐसे बना के रखे हैं, तो मैंने आपके प्ले लिस्ट में ऐड कर दिए हैं, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। और इसका सीरीज मैं अब कंटिन्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन सुधार कर डालने का कोशिश करूँगा, जो आपके आने वाले एग्जाम को मद्देनज़र लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो नीचे लाइक बटन है दोस्तों, एक बार ज़रूर दबा के जाइएगा। अगर इसके बारे में कोई सुझाव आपका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा, अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हो तो आप लोग के सुझाव के बदौलत मैं सुधार करना चाहूँगा। डेट वाइज जो भी एग्ज़ाम डेट फिक्स है, जो डेट पर जो हो रहा है सब एग्ज़ाम वही उसी डेट पर हो रहा है, तो तैयार रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि अब डेट आगे बढ़ने वाला है। और जैसे कि बीपीएससी का डेट रिलीज हो चुका है और बिहार एसएससी के आए दिनों नए नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, जो कि आपको मालूम ही होगा उसका भी डेट निकल चुका है कि इस मंथ में होगा। अभी डेट का क्लियर नहीं किया गया है कि कब होगा। और मेंस का जो डेट के लिए आपके कंफ्यूजन है कि मेंस का एग्ज़ाम डेट कौन है, तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, तो अपने से कुछ कहना बेटर नहीं होगा कि कितने तारीख को एग्ज़ाम होगा। ऐसे सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो डेट जैसे ही कोई रिलीज होता है डेट, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो नीचे लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रगति सूचियांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो 93वां स्थान है भारत का सामाजिक प्रगति सूचियांक 2017 में। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचियांक 2017 के अनुसार सर्वाधिक शांतिमय देश आयरलैंड है और सर्वाधिक अशांत देश कौन सा है? तो वो सीरिया है, आप लोग को मालूम ही होगा, सिंपल सा है। वर्ष 2017 में वैश्विक शांति सूचियांक में भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत का 137वां स्थान है वैश्विक शांति सूचियांक में भारत का। देखिए दोस्तों, मैं इसमें टिक इसलिए मारा हूँ कि आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूँ। वीडियो आपको इसका पीडीएफ आपके जो नीचे ग्रुप का लिंक दिया है उसमें मैं दे दूंगा। तो नीचे अभी तक आप अगर ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो नीचे ग्रुप का लिंक है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसमें टिक लगाया हूँ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप ये सिर्फ आपके रिविज़न के लिए एक नज़र, आप क्वेश्चन जितने ही ज़्यादा आपके नज़र से क्वेश्चन गुजरेंगे वही उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा। तो एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद आप खुद जान सकते हैं कि इससे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नज़र से गुजरेगा उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा। तो इसीलिए मैं ये उद्देश्य से आपके लिए लगातार वीडियो मैं बनाऊंगा, जो कि जितना ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन आपके आँख से आगे से जाए, जितना ज़्यादा आप देख पाएँ क्वेश्चन। धातु खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो वो है अल साल्वेडोर है, जो कि धातु खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश है। नेक्स्ट है, बाल श्रम की निकृष्ट रूपों में उन्मूलन हेतु अभी समय 1999 का अनुसमर्थन करने वाला विश्व का 181वां देश कौन सा है? ऑफकोर्स वो भारत के बारे में है, भारत है विश्व का 181वां देश। नेक्स्ट है, एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है कितना ग्राम खून होता है? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन बटा 100 ग्राम खून होता है। नेक्स्ट है, गाय का दूध पीला रंग, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैरोटीन के कारण होता है गाय के दूध का पीला रंग। नेक्स्ट है, हार्मोन किस में उपयोगी है? तो हार्मोन उपयोगी है उपचाय प्रक्रिया हेतु हार्मोन उपयोगी है। इसमें विज्ञान से भी क्वेश्चन मिला हुआ है, सब मिला हुआ क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ। नेक्स्ट है, एसआई पत्ती में तापक्रम का मापक कौन सा होता है? तो केल्विन होता है, एसआई पत्ती में ताप का मापन केल्विन होता है। अच्छा, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। नेक्स्ट है, पहाड़ पर चढ़ने समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि वो अस्तित्व
में वृद्धि हो सके, उसके अस्तित्व में वृद्धि हो सके, पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर झुका रहता है। नेक्स्ट है, तीन प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? सिंपल है, नीला, हरा और लाल होता है तीन प्राथमिक रंग। पादपों में होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है, तो क्या होता है? तो वो सेलुलोज है जो कि पशुओं में नहीं होता है और पादपों में होता है। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है और कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में कि तरंग के रूप में? तो प्रकाश हमेशा तरंग के रूप में व्यवहार करता है, याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा तरंग के रूप में व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो वो लाल रंग है जो सर्वाधिक अपवर्तित होता है, विचलित होता है, जो भी पूछे लाल रंग आप मारिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में वैशाली नगर वधु अम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो बिहार के वैशाली नगर वधु अम्रपाली लिच्छवी गणराज के शासन में थी, लिच्छवी गणराज के शासन में अम्रपाली थी। नेक्स्ट है, आर समाजी निम्नलिखित में से किससे जड़ तक पहुँचे? तो हरिजन के जड़ तक पहुँचे थे आर समाजी, हरिजन के जड़ तक पहुँचे थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया, किस कारण निलंबित किया था? तो वह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इस कारण गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ए ओ हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए दोस्तों, मैं अब सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपको तो ये डेली मैं प्रोवाइड करते ही रहूँगा, धीरे धीरे करके मैं आपको चैप्टर वाइज जो 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 जैसे कि सम इंडियन हिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो प्रमुख युद्ध होते हैं, प्रमुख जो संस्थापक होते हैं, कौन कौन से कब युद्ध हुआ, कहाँ लड़ा गया, ये सब सबका मैं छोटा छोटा एक वीडियो लाने का सोच रहा हूँ। और जैसे कि संविधान, भारतीय संविधान से भी जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ऐसे करके मैं टॉपिक वाइज सोच रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो लाऊं। अगर आप चाहते हैं तो नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या ग्रुप में मैसेज करके भी बता सकते हैं, नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं जाके, तो ग्रुप में बताइए। वैसा मैं सोचता हूँ, अगर मुझे ऐसा मिले जो कि आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए हो तो मैं ज़रूर उसे लाने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है, सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है सात पहाड़ियों का शहर। मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बोधगया में स्थित है, मगध विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार कौन सा अंतिम एवं पूर्व तीर्थक माने जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। पारसनाथ है जो कि अंतिम तीर्थक माने गए हैं जैन धर्म के। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? तो भद्रबाहु द्वारा दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कराया गया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकार किसके पास होता था? तो सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकार होता था राजा के पास, गुप्त काल में राजा के पास सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकार होता था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया, संस्कृत से फारसी अनुवाद किया था महाभारत का, इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो रज्जनामा कहते हैं, रज्जनामा कहा जाता है। अकबर के द्वारा इसका निर्माण विद्वानों के एक समूह द्वारा संस्कृत भाषा के, जो संस्कृत भाषा में महाभारत लिखे है उसको फारसी में अनुवाद कराया गया था। नेक्स्ट है, कृषि, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है लेप्चा जनजाति मुक्ता कहाँ निवास करती है? तो सिंपल है, याद कर लीजिएगा, सिक्किम में लेप्चा जनजाति निवास करती है। आकार और समुद्र में समाहित होने वाला जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है? तो अमेजन नदी आकार एवं समुद्र में समाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? पावपुरी में हुई थी, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 जाता है। बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? तो शेखपुरा, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। नेक्स्ट है, हमारे देश में किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे जो सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और हाल ही में कोविंद जी भी जाने वाले हैं आपको सियाचिन ग्लेशियर राष्ट्रपति, वहाँ निरीक्षण करने के लिए, तो वो भी दौरे पर जाने वाले हैं।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान है। ये सब संशोधन पूछा जाता है संविधान संशोधन 368 में। भारतीय भारत में पंचायती राज संस्थान ने अपने कोष मुक्त प्राप्त किए थे, तो वो सरकारी अनुदानों से प्राप्त किए थे कोष भारतीय पंचायती राज संस्थान ने। देखिए दोस्तों मैं नेक्स्ट है भारत में संविधान अंगीकृत हुआ था और अस्तित्व में आया था, तो कब आया था, तो 26 जनवरी 1949 को, जनवरी 26 1950 को, दोनों आता है कहीं कहीं अस्तित्व में आया था, तो 26 जनवरी 1950 को आया था। ऑप्शन में लाया गया था 1950 में, अंकित हुआ था 1949 में और 1950 में ये अस्तित्व में आया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो सिंपल है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जाते हैं, तो यदि राष्ट्रपति आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस आदेश को जारी करता है तो उस समय आपके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो देश में जब आपातकाल होता है तभी आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन लोकसभा को इसकी अवधि को समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री है जो लोकसभा को भंग कर सकता है उसकी अवधि को समाप्त होने के पहले। नेक्स्ट है राज्य में राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होता है, और राज्यपाल अपने कार्यों के प्रति राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है, तो राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद को निपटारा करना, केंद्र एवं राज्य के बीच जो विवाद होता है उसका निपटारा करना न्यायपालिका का काम नहीं है। नेक्स्ट है भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत मिलती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है, समताप मंडल। भारत में हरित क्रांति में सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है, तो गेहूं के फसलों को, सबसे ज़्यादा गेहूं के फसलों में क्रांति आई थी जिसके कारण हरित क्रांति कहा गया। नेक्स्ट है देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे देता है, वर्जिन कुरियन को दिया जाता है, डॉक्टर वर्जिन कुरियन इंपॉर्टेंट है। भारत में अभिनव भारत के नाम से एक गुप्त संगठन सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था, तो अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन का वो किया था वीडी सवाकर ने। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के निम्नलिखित में राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी, तो लेबर पार्टी सत्ता में थी। नेक्स्ट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे उस समय जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है अनुसूचित 11वीं में युगारी के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है, तो वो 29 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया अनुसूचित 11वीं द्वारा पंचायती राज संगठन को नियंत्रण करने का। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, तो बौद्ध धर्म का ज्ञान का महान केंद्र था। और भी ये देखिएगा दोस्तों ये गलती मारा गया है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा था, तो रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं आज तक। तो ये थे इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा तो नीचे लाइक बटन है ज़रूर दबाइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाते रहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, बाय, जय।